एक घने जंगल में एक गरीब चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। कई दिनों से भोजन ना मिलने के कारण टूनी के दोनों बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। मम्मा मम्मा, हमें बहुत भूख लग रही है। आज पूरा दिन हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। क्या हम लोगों को आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा? अगर ऐसे ही भूखे रहे तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। मैं क्या करूं बेटे, हम लोग बहुत गरीब हैं। तुम्हारे पिता की अचानक हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गया। मैं घर घर जाकर मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रही हूँ। मुझे प्रतिदिन सैलरी नहीं मिल पाती। महीने में बस एक बार ही मिलती है मुझे सैलरी। जितना भी रुपया पैसा था घर के राशन पानी में खर्च हो गया। अब मैं तुम लोगों को खाने के लिए क्या दूँ? नहीं मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे बेटे। तुम लोग घोंसले में ही रहो, मैं भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश करती हूँ। यह कहकर टूनी अपने भूखे बच्चों को घर में छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। जब टूनी भोजन की तलाश में तोता के घोंसले पर गई, तो तोता उसे उल्टी सीधी बात सुनाकर अपने घोंसले से भगा दिया। फिर टूनी वहाँ से कबूतर के घोंसले पर जाती है। कबूतर भी भोजन ना देकर उसे अपने घोंसले से भगा दिया। तब टूनी चिड़िया मायूस होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे रो रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं एक माँ होकर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया जिस पेड़ के नीचे रो रही थी, वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। पेड़ टूनी को रोता देख टूनी से बोलता है, क्या रे नन्ही चिड़िया, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो, बोलो। पेड़ को बोलता देखकर टूनी हैरान रह जाती है। आप बात कैसे कर सकते हैं पेड़ महाराज? सुनो नन्ही चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम रो क्यों रही थी, पहले ये बताओ नन्ही चिड़िया। महाराज पेड़ जी, मेरा नाम टूनी है। मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मैं अपने दो बच्चों के साथ इसी जंगल में एक घोंसले में रहती हूँ। मेरा पति कुछ दिन पहले गुजर चुका है, इसलिए घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है। मेरे पास जितना भी पैसा था राशन पानी में सब खर्च हो गए हैं। अब मेरे बच्चे भूख में तड़प तड़प कर बीमार सा होकर बिस्तर पर पड़े पड़े रो रहे हैं। एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की ये हाल मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं कुछ भोजन के लिए इस जंगल की सभी पक्षियों के पास गई, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसीलिए मैं मायूस होकर यहाँ रो रही हूँ। टूनी की ऐसी बातें सुनकर पेड़ टूनी से बोलता है, टूनी तुम मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन कैसे पेड़ जी, कैसे? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दे रहा हूँ। यह कहकर पेड़ टूनी को एक जादुई छड़ी दे देता है। सुनो टूनी, ये जादुई छड़ी तुम्हें सब कुछ दे सकती है। इस छड़ी का उपयोग तुम कभी भी गलत कामों में मत करना, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं इस छड़ी से कैसे मांगूंगी पेड़ महाराज? छड़ी को हाथ में लेकर जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो उसे तुक वाले पंक्ति में बोलकर मांगना पड़ेगा। अगर तुक वाली पंक्ति नहीं बोल सकी तो ये छड़ी तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। यह बात सुनकर टूनी पेड़ के सामने ही छड़ी से बोलती है, हे जादुई छड़ी, कुछ ऐसा कर काट, मेरे बच्चों के लिए आ जाए थोड़ा अनाज। टूनी के ऐसा बोलते ही जादुई छड़ी टूनी को अनाज दे देती है। यह देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है पेड़ महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर टूनी जादुई छड़ी लेकर अपना घोंसला चली जाती है। जब टूनी अपने घोंसले में आती है तो वह देखती है कि एक दुष्ट कौवा उसके बच्चों के पास खड़ा है। तब टूनी बोलती है, अरे कौवा भाई, अचानक आप मेरे घोंसले में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे टूनी, मैं तुम लोगों से मिलने आया था, बस और कुछ नहीं। तब दुष्ट कौवे की नज़र टूनी के हाथ में जादुई छड़ी पर पड़ती है, जो चमकती नजर आ रही थी। टूनी, तुम्हारे हाथ में यह छड़ी कैसी है? क्या मतलब? इससे क्या होता है टूनी, बोलो ना। कुछ नहीं कौवा भाई। टूनी, तुम मुझे अपना नहीं समझ रही हो।
है ना, इसीलिए तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुम मुझे अपना समझती तो मुझे सब कुछ बताती। ठीक है, जब तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि तुम बहुत दुष्ट हो। क्या टूनी, मैं दुष्ट हूँ? अगर मैं दुष्ट होता तो क्या तुम्हारे बच्चों को देखने आता? बोलो। टूनी बहुत सीधी साधी पक्षी थी। कौवा की बात सुनकर उसे सारी सच्चाई बताने लगी। दरअसल बात यह है कि जब मैं अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर सभी पक्षियों के घोंसले में भोजन की तलाश कर रही थी, तब किसी ने भी मुझे भोजन नहीं दिया। तब मैं मायूस होकर एक पेड़ के नीचे रो रही थी। मैं जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर रो रही थी वह एक जादुई पेड़ था। जादुई पेड़ मेरी सारी परेशानी सुनने के बाद मुझे ये जादुई छड़ी दिया। टूनी ने तो सारी सच्चाई बता दी, पर दुष्ट कौवा को टूनी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब दुष्ट कौवा टूनी से कहता है, चुप हो जाओ टूनी, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हें मालूम है ना कि मैं बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। अरे कौवा भाई, मैं सच कह रही हूँ, यह एक जादुई छड़ी है। मैं कैसे यकीन करूँ टूनी, बताओ तुम्हें। तब टूनी कौवा से बोलती है, तुम्हें अभी किस चीज की जरूरत है, बताओ कौवा भाई। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे दोनों बच्चे भूख से तड़प रहा है, उनके लिए तुम भोजन ला के दिखाओ तो। तब टूनी जादुई छड़ी को हाथ में लेकर बोलती है, हे जादुई छड़ी, मेरे बच्चों को लगी है भूख, तू उनके लिए ला दे गरम गरम सूप। टूनी के ऐसा बोलते ही सभी के सामने गरम गरम सूप आ जाता है। यह देखकर टूनी के दोनों बच्चे और दुष्ट कौवा हैरान रह जाता है। तब कौवा मन ही मन बोलता है, अरे ये कैसे संभव है, अरे टूनी ये तो सच में जादुई छड़ी है। हाँ कौवा भाई, पर आपको तो यकीन नहीं हो रहा था। हाँ टूनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह असल में एक जादुई छड़ी है। तब कौवा मन ही मन बोलता है, अरे यार इस टूने की किस्मत कितनी अच्छी है, इसे जादुई छड़ी मिल गया है। अगर मुझे ये जादुई छड़ी मिल जाती तो मैं इसकी मदद से कितना सारा कुछ प्राप्त कर लेता। यह सोचकर कौवा टूनी से कहता है, टूनी अब मैं घोंसला जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत काम है। यह कहकर कौवा टूनी के घोंसले से चला जाता है। इधर टूनी अपने बच्चों के साथ जादुई छड़ी का दिया हुआ सूप खाने लगती है। इधर दोपहर के बाद शाम होने पर कौवा अपने घोंसले में खड़े खड़े सोचता रहा कि कैसे टूनी की तरह हमें भी एक जादुई छड़ी मिल जाए। उस बेवकूफ टूनी को तो जादुई छड़ी मिल गई है, अब तो वह अपने घोंसले में आराम से जीवन व्यतीत करेगी और वह तो जल्द ही मुझसे भी ज्यादा अमीर बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तब दुष्ट कौवा अपनी दुष्ट बुद्धि से सोचकर बोलता है, यस मिल गया उपाय, कल सुबह मैं भी उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और रो रो कर जादुई छड़ी लाऊंगा। सुबह होते ही कौवा उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। टूनी ने जैसे जैसे कहा था उसका पालन करते हुए कौवा उस पेड़ के नीचे चला गया। टूनी तो इसी पेड़ के बारे में बताई थी, शायद यही जादुई पेड़ है। अरे अब समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, अब मैं भी टूनी की तरह रोने लगता हूँ। अब मैं कैसे जिंदा रहूँगा, मेरे भाई का कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया, अब मैं इस कष्ट को कैसे बर्दाश्त करूँगा, अब मैं कैसे जीऊँगा भगवान। कौवे को इस तरह रोता देख कर पेड़ कौवा से बोलता है, क्या रे कौवे, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। कौवा जादुई पेड़ को बात करता देखकर मन ही मन बोलता है, अरे यही तो है जादुई पेड़, बात कर रहा है ये। क्या हुआ कौवे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्या बताऊं पेड़ भैया, मैं बहुत विपत्ति में हूँ। कौन सा विपत्ति कौवा, मुझे विस्तार से बताओ। तब कौवा मन ही मन बोलता है, ऐसा करता हूँ, एक झूठी घटना बता देता हूँ, तब पेड़ को तो मुझ पे शक भी नहीं होगा। तब कौवा पेड़ से झूठी घटना बताने लगता है। क्या बताऊँ पेड़ भैया, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे घोंसले में छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, वे सब भूख में तड़प रहे हैं,
मैं अकेले घर की सारी जिम्मेदारी संभालता हूँ। मेरे पास अभी एक भी रुपया पैसा नहीं है। मुझे लगता है अब मैं अपने बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा। मैं एक पिता होने के नाते अपने बच्चों के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं मायूस होकर यहाँ रो रहा हूँ। कौवे की ये सारी बातें सुनकर पेड़ का मन पसीज जाता है और फिर कौवा से बोलता है, देखो कौवा, मैं समझ गया, तुम्हें घर परिवार चलाने में बहुत कष्ट हो रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, पर तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दे रहा हूँ। इस छड़ी के माध्यम से तुम जो चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा। फिर पेड़ टूनी की तरह कौवा को भी एक जादुई छड़ी दे देता है। सुनो कौवा, अगर इस छड़ी से तुमने गलत फायदा उठाने की कोशिश की तो तुम बड़ी समस्याओं में पड़ सकते हो। इस बात को तुम हमेशा याद रखना। तुम्हें छड़ी के माध्यम से मदद लेने के लिए तुम्हें जो भी चीज चाहिए उसे एक तुक में बोलना पड़ेगा। अगर तुम एक तुक में नहीं बोल सका तो यह छड़ी तुम्हारी मदद नहीं करेगी, ठीक है ना? ठीक है पेड़ भैया, ठीक। फिर कौवा वहाँ से अपना घोंसला चला जाता है। कौवा घोंसले में आकर बोलता है, हा 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 हा, क्या दिमाग है मेरे पास। जादुई पेड़ को बेवकूफ बनाकर जादुई छड़ी ले लिया। अब मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा। तब कौवा जादुई छड़ी की जांच करने के लिए जादुई छड़ी से बोलता है, हे जादुई छड़ी, तू दे दो मेरी भूख को चिकन, लेके आ जा तू अभी एक प्लेट चिकन। कौवा की यह कहते ही उसके सामने एक ताजा चिकन आ जाता है। अरे वाह, अब मैं टूनी से भी अमीर बन जाऊंगा। कौवा ऐसा कहकर बारी बारी से जादुई छड़ी के माध्यम से घर का सारा सामान मांग लेता है। इधर टूनी अपने बच्चों के साथ अपने खेत में जुताई करने लगती है। जुताई हो जाने के बाद टूनी का एक बच्चा बोलता है, मम्मा, ओ मम्मा, हम लोग अपने खेत की जुताई क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो जादुई छड़ी है, आप जो चाहो उसे मांग सकते हो। जादुई छड़ी हमारी तभी काम आएगी जब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, या वो चीज हमें कहीं नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें सिर्फ छड़ी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें खुद भी मेहनत करनी चाहिए। यह बात सुनकर टूनी का दूसरा बच्चा बोलता है, मम्मा, ओ मम्मा, अब हम लोग अपने खेत में क्या बोएंगे? मेरे बच्चों, अब हम लोग अपने खेत में अनारस बोएंगे। मम्मा, ओ मम्मा, अभी तो हमारे पास रुपया नहीं है, तो अब हम लोग अनारस का बीज कैसे खरीदेंगे? हमारे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग अब जादुई छड़ी की मदद लेंगे, बाकी का सारा काम हम लोग खुद करेंगे। यह योजना बनाकर टूनी अपने बच्चों के साथ घोंसला चली जाती है। टूनी घोंसले में आकर जादुई छड़ी हाथ में लेकर बोलती है, हे जादुई छड़ी, मेरा खेत है अभी खाली, बीज खरीदने के लिए तू दे दो मुझे पैसे की थैली। टूनी के ऐसा कहते ही जादुई छड़ी उसे ढेर सारे रुपये दे देती है। फिर टूनी रुपया लेकर अपने बच्चों के साथ बीज खरीदने बाजार चली जाती है। कुछ देर के बाद वे तीनों बीज खरीद कर ले आता है और फिर अपने खेत में बीजों की बुआई करने लगती है। फिर बीज बोकर वे तीनों अपना घर वापस चली जाती है। इधर कालू कौवा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होता है। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती कौवा जादुई छड़ी की मदद से प्राप्त कर लेता। एक दिन अचानक कौवा देखता है कि उसका पूरा घर जादुई छड़ी के माध्यम से लिए गए सामानों से भर गया है। अरे, सामान से तो मेरा पूरा घर भर गया है, पर अब तो घर में सोने की जगह ही नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? तब कौवा मन ही मन सोचता है, जंगल के बड़े बड़े रईस पक्षियां बड़े बड़े घोंसले बनाकर रहता है, उसमें बहुत सारा सामान रखने की जगह होता है, इसलिए अगर मैं एक बड़ा सा घोंसला बना लूं, तो मैं भी ढेर सारा सामान रख पाऊंगा।
लेकिन पेड़ पर इतना बड़ा घोंसला बनाया तो पेड़ की डाली टूट सकती है। अब क्या करूं? हाँ, अब आएगा मजा। मनुष्य जिस तरह जमीन पर अपना घर बनाता है, उसी तरह मैं भी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाऊंगा। यह सोचकर कौवा पेड़ से उतरकर जमीन पर आता है और फिर बोलता है, हे जादुई छड़ी, आज कुछ कर ऐसा कमाल, जमीन पर बना दो एक आलीशान मकान। कौवा के ऐसा कहते ही एक आलीशान मकान बन जाता है। अरे वाह, यहाँ तो इंसानों की तरह एक आलीशान मकान बन गया है, अब मैं इसमें आराम से रहूँगा। इस तरह कौवा आलीशान मकान में आराम से रहने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया कौवे के घर होकर बाजार जा रही थी, तभी उसने देखा कि कौवे के घोंसले के सामने जमीन पर एक आलीशान महल बना हुआ है और उस महल के सामने कालू दुष्ट कौवा खड़ा है। कौवा को देखकर टूनी उसके पास आती है और बोलती है, इतना बड़ा मकान यहाँ कैसे आया और ये मकान किसका है? तब कौवा टूनी को सारी बात बताता है। लेकिन कौवा भाई, हम लोग पक्षी हैं, इंसान नहीं। हम लोगों का जमीन पर घर बनाना खतरे से खाली नहीं है। टूनी, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि आप इतना बड़ा मकान जमीन पर बनाया क्यों? क्या आपको मालूम नहीं कि इस जंगल में जंगली जानवर रहता है? अगर जंगली जानवरों की नज़र आपके घोंसले पर पड़ गई, तो वह आपको आसानी से शिकार बना लेगा। क्या बकवास कर रही हो टूनी? शायद तुम्हारी जादुई छड़ी छिन गई है, जिससे तुम मेरे जैसा मकान नहीं बना पाई, तब तुम्हें मेरा घर देखकर ठीक नहीं लगता। टूनी, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पास अभी भी जादुई छड़ी है, इसलिए छड़ी के माध्यम से इस जंगल के जानवरों को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो कौवा भाई, मेरी बात मानो, आप इस घोंसले में मत रहो, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। चुप टूनी, चुप, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। तब टूनी वहाँ से चली जाती है और कौवा आराम से अपने आलीशान मकान में सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बाघ शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह कौवा के आलीशान मकान के सामने आ गया। अरे, इतना बड़ा मकान इस जंगल में कहां से आया? देख के तो लगता है ये इंसानों का घर है। चलो, अच्छा ही हुआ, दो दिनों से कुछ नहीं खाने मिला है, आज मनुष्य का शिकार करके उसका मांस खाऊंगा। घर का दरवाजा खुला होने के कारण बाघ आराम से घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाके बाघ देखता है कि घर में कोई नहीं है, बस एक बिस्तर पर सिर्फ एक काला कौवा सोया हुआ है। अरे, ये क्या, इतना बड़ा घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक कौवा सोया हुआ है? जो भी हो, मुझे भूख भी बहुत लगी है, मैंने कौवा का मांस जीवन में कभी नहीं खाया, आज तो खाना ही पड़ेगा। यह कहकर बाघ दहाड़ने लगता है। कौवा तो आराम से सोया हुआ था, बाघ की दहाड़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। अरे बाघ महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रे रे, ये तो मुझे जान से मार देगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बाघ मामा, ओ बाघ मामा, आप क्या चाहते हैं? बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज बहुत भूख लगी है, तुम्हें खाकर ही आज मैं अपना भूख मिटाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं बाघ मामा, मुझे माफ कर दीजिए। फिर बाघ जोर से दहाड़ता है। फिर कौवा जादुई छड़ी हाथ में उठा लेता है और बोलता है, हे जादुई छड़ी, इस बाघ को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह मुझे खा जाएगा। लेकिन इस बार कौवा के अनुसार जादुई छड़ी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इस बार कौवा ने तुक लगाकर बोलना तो भूल ही गया था। अरे जादुई छड़ी, तुम आज काम क्यों नहीं कर रहे हो? बाघ को यहाँ से भगाओ। कौवा जादुई छड़ी से गुहार पे गुहार लगाए जा रहा था, लेकिन छड़ी ने कोई बात ना मानी। फिर बाघ और जोर से दहाड़ने लगा।
अचानक कौवा को याद आया कि उसे तुक वाला पंक्ति बोलना होगा, तभी जादुई छड़ी काम करेगी। ओहो, याद आ गया, मुझे तुक लगाकर बोलना होगा, मगर अभी तो मुझे कोई तुक याद ही नहीं आ रहा। क्या रे कौवे, तुम क्या बोले जा रहे हो? सामने आ जाओ, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। हे जादुई छड़ी, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो आज? तुम्हें क्या हो गया है? ना, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बिना मतलब के समय बर्बाद कर रहा हूँ, तुम्हें अभी चबा डालूंगा कौवे के बच्चे। यह कहकर बाघ कौवा पर छलांग मारता है और उसे पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बाघ मुझे खा जाएगा, कोई बचाओ। कौवे के चिल्लाने की आवाज टोनी और उसके बच्चे अपने घोंसले से सुन रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे लगता है कोई जंगल में बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है। चलो मेरे बच्चों, देखते हैं कौन गुहार लगा रहा है। तब टोनी और उसके बच्चे जादुई छड़ी लेकर उड़ते उड़ते कौवा के घोंसले के पास पहुंचती है। बचाओ मुझे बचाओ, बाघ मुझे जान से मार डालेगा, बचाओ। टोनी अपने बच्चों के साथ अंदर जाकर देखती है कि एक बाघ कौवा को अपने पंजे में दबाए हुआ है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, इस बाघ से बचाओ मुझे कोई, ये मेरी जान ले लेगा। कौवा मदद की गुहार लगाए जा रहा था, तब टोनी अपने जादुई छड़ी से बोलती है। हे जादुई छड़ी, अपनी शक्ति दिखाओ, इस बाघ को मार मार कर यहाँ से भगाओ। फिर जादुई छड़ी टोनी के हाथ से छूट जाती है और बाघ को मारने लगती है। अरे अरे अरे, 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 अरे मत मारो मुझे, मत मारो, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कोई बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अरे मत मारो, बहुत चोट लग रही है, बचाओ बचाओ। जादुई छड़ी का मार पड़ने के कारण बाघ दर्द से कराहते हुए वहां से भाग जाता है और कौवा को अपनी गलती का अनुभव हो जाता है। धन्यवाद टुने धन्यवाद, अगर आज तुम ना होती तो मैं बाघ का शिकार बन गया होता। पहले ही अगर मैं तुम्हारी बात मान लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर टोनी, उसके दोनों बच्चे और कालू कौवा उस जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। जादुई पेड़ महाराज, आप ये अपनी जादुई छड़ी वापस ले लीजिए, छड़ी के भरोसे आयशो आराम की जिंदगी ठीक नहीं है, आज से हम लोग मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। टोनी तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा और कौवा का परीक्षा ले रहा था कि तुम दोनों में से अच्छा कौन है। कौवा एक दुष्ट कौवा है जिस कारण उसे उसकी सजा मिल चुकी है। हाँ पेड़ भैया, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। टोनी तुम अब अपना गुजारा कैसे करोगी, तुम्हारे बच्चे तो फिर से भूख में मर सकता है। तुम्हें क्या चाहिए टोनी, बोलो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पेड़ महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। टोनी तुम अपने खेत में जो अनारस बोई हो उस खेत में वापस जाओ, मैंने उस खेत में अनेक अनारस का पेड़ बोकर उसमें अनारस भी लगा दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं पेड़ महाराज, सही बात है क्या? हाँ टोनी, सच बता रहा हूँ, ये तुम और तुम्हारे बच्चों की मेहनत का फल है जिससे तुम और तुम्हारे बच्चे बाकी का दिन सुख और शांति के साथ गुजार सको। टोनी मैं तो कोई काम नहीं करता, अब से मैं तुम्हारे साथ अनारस बेचा करूँगा और तुम्हारी मदद किया करूँगा, इसके बदले तुम मुझे मजदूरी दे देना। ठीक है कौवा भाई, ठीक है। फिर जब टोनी अपना खेत आती है तो वह देखती है कि जादुई पेड़ के अनुसार उसके खेत में सुंदर सुंदर बड़े बड़े अनारस लगा हुआ है। उस दिन से कौवा टोनी के अनारस को बाजार में बेचकर टोनी को उसका रुपया वापस कर देता और टोनी भी कौवा को उसकी मजदूरी दे देती। इस तरह वे सभी मिलजुल कर रहने लगे और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।